संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 5701-9809 5701-9809 या तो 5949-8703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करे। सेव्यमान पावनांग्र पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। नमस्ते, आज के यात्रा प्रोग्राम में आप सब लोग की शानदार स्वागत करत है जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी हुई बा, जैसे भी हुई बा, परम पिता परमेश्वर भोले शंकर की कृपा से स्वस्थ हुई बा, तंदुरुस्त हुई बा। गैल सप्ताह आप लोग के ले गए रलीजा नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जेकर दर्शन दिल खोल के कर लीजा, जोन भोलेनाथ शंकर के 10वां ज्योतिर्लिंग मानल जाला। शिव पुराण और शिव कथा के माध्यम से ये भी देख लीजा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजा के कौन महत्व है। ऐसा मानल जाला कि इस शिवलिंग के पूजला से जितना भी पितृदोष, जितना भी पीड़ा, जितना भी रोग, जितना भी दुख, जितना भी दर्द बा, वो सब मिट जाला। और जीवन में एक बार इस ज्योतिर्लिंग दर्शन मात्र प्राणी मोक्ष के प्राप्ति कर लेवेला। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर हमनी के यात्री लोग भाव विभोर होई लंजा और अगला दिन भी प्रभु के गुण गईते भारत में होली मनाई गई लीजा। कहे कि भारत की होली और मॉरिशस की होली एक समान नहीं है, इत सब कोई जानेला, फिल्म में देख ले हुई बा।
महाराष्ट्र के विश्वविख्यात प्रसिद्ध हुजूर साहिब के गुरुद्वारा में हमली होली मनाई गई दीजा। हुजूर साहिब सिख के सात पीढ़ी में से एगो है। ई नंदेद नगर के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। एकर में पावल जाई होला गुरुद्वारा के सचखंड बुलल जाला। जन दिन हौजा परी गेल रलीजा पूरा भारत होली पर्व मनावत रलंजा। और पहला हला यकीन माना हमली ई प्रकार के होली देख लीजा। चारों तरफ अबीर गुलाल हरा पीला नीला बैगनी के रंग उड़त रहल। ई गुरुद्वारा के चारों जुन दीवार रहल वो रंग बिरंगा होगा रहल। और देश के कोना कोना से हैजा परी भारी भीड़ छोटा बड़ा सब कोई एकत्रित हो रलन जा। और बड़ी प्रेम भाव से जितना भी फॉरेनर्स लोग विदेशी लोग रहल उन लोग के साथ भी होली खेलन जा। ई गुरुद्वारा के निर्माण 1801 कोड़ी 12 और 1801 कोड़ी 17 के बीच सिकंदर जा मीर अकबर अली खान सिकंदर जा आसिफ जा तृतीय अपन दोस्त महाराजा रंजीत सिंह के अनुरोध पर बनवाई ले रलन। गोदावरी नदी के किनारे बसल शहर नाडेड़ हजूर साहब सचखंड गुरुद्वारा खातिर विश्व प्रसिद्ध बाते। हौजा हर साल दुनिया भर से लाखों के संख्या में श्रद्धालु लोग आवे लंजा और माथा टेक के स्वयं के धन्य समझे लंजा। ई स्थान जुनबा धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से एकदम समृद्ध बाते। हैजापरी सन 1708 में सिख लोग के दसवां तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी अपन प्रिय घोड़ा दिलबाग के साथ अपन अंतिम सांस ले ले रहलन। सन 1708 से पहले गुरु गोविंद सिंह जी अपन धर्म प्रचार खातिर
कुछ बरिस खातिर अपन अनुयायी लोग के साथ अपन पड़ाव दल ले रहल। वो अपन धर्म प्रचार खातिर विख्यात रहलन। हौजा पर कुछ धार्मिक तथा राजनैतिक कारण के खातिर सरसिद के नवाब वजीर शाह दुगो आदमी के भेज के उनकरा मुआदिले रहलन। अपन मृत्यु के करीब देख के गुरु गोविंद सिंह अपन उत्तराधिकारी के रूप में कोई कोई ने चुनलक और गुरु चुने के बजाय सब सिख लोग के आदेश दिलन कि उनकर मरला के बाद आप लोग अपन सब धर्म ग्रंथ के ही अपन गुरु मन बजा। तभी से उस सब पवित्र ग्रंथ के गुरु ग्रंथ साहिब बोलल जाला। परिसर में स्थित ये गुरुद्वारा के सचखंड सत्य के क्षेत्र नाम से भी जानल जाला। ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जहाँ ज्योति जोत संभाल रहल उसी स्थान पर बनावल गल बाते। गुरुद्वारे के आंतरिक अंगीठा साहिब कहलाला और वही जगह पर बनावल गलबा जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के दाह संस्कार करल गल रहल। जब हौजा पर गैली जा तो देखली जा ढेर कोई तलवार लेकर और कुछ लोग लंबा लंबा तलवार लेकर वो प्रवेश करलन जा और उकर छत से माथा टेक के वो लोग आशीर्वाद दिलन जा। हौजा के भाषा तो ना समझ ली लेकिन वो लोग के प्रार्थना में एगो दर्द रहल, एगो सुकून रहल, एगो चैन रहल। हैजा परी गुरुद्वारा के भीतरे ढेर कोई जमा रलन जा। इतना भीड़ रहल कि सांस ले के मुश्किल पड़त रहल। इतना ले लोग में उत्साह रहल ई दिवस के मनाई के। ई गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जहाँ ज्योति जोत संभाल रहल जैसे बोल लीजा हौजे परी बनावल गल बाते और गुरुद्वारा के आंतरिक कक्ष अंगीठा साहिब कहलाला और ई जगह पर बनावल गल जहाँ परी गुरु गोविंद जी के अंतिम संस्कार करल गल रहल। तख्त
के गर्भगृह में गुरुद्वारा पटना साहिब के तर्ज पर ही गुरु ग्रंथ साहिब तथा श्री दशम ग्रंथ दोनों स्थापित थे। गुरुद्वारा के निर्माण पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह जी द्वारा करल गल रहल। गुरु गोविंद सिंह जी के अभिलाषा रहल कि उनकर निर्वाण के बाद कहे कि बोलल जला कि इस प्रकार के गुरु कबू जनबा उमरेला नहीं उनका निर्वाण होला। उनकर निर्वाण के बाद एगो श्री संतोख सिंह जन हवन हौजा के रसोईया रहल पहले उनकरा हौजा ही रखल जाए और जन लंगार बाते यानी कि जहाँ पर खाना बनेला और पड़ोसल जला वो चौबीसों घंटे जलते रही। आज भी उलंगार जुनबा चौबीसों घंटे चलेला और हौजा परी महाप्रसाद के रूप में अनेक प्रकार के भोजन बना के जितना भी लोग आवेलन जा माठाते के लोग के भरपेट खिया के विदा करेलन जा। हैजा पर ही होली मनेला के बाद एगो अजीब सुकून मिलल काहे कि अपन देश में तो होली मनेबे करी ला जा। हैजा पर ही फगुआ के नाम से जानी ला जा, खेली ला जा, रंग डाली ला जा, लेकिन हौजा पर ही कोई के चेहरा पर शिकायत ना रहल कि हमर पर रंग ना डाला। बस चारों तरफ रंग डाले से पहले यही सुना रहल बुरा मत मानो होली है। तो मॉरिशस में काश ऐसा होवत कि बुरा मत मानो आज होली है। हौजा पर ही होली मनेला के बाद सब कोई एकत्रित हो लीजा और हौजा से खुशी खुशी निकल लीजा। हौजा के हर राह पर हर मार्ग पर जनबा प्रेम के साथ सिख लोग होली खेलत रहन जा और ए लोग के होली अजीब तरीका से बनावल जात रहल यानी कि कोनो प्रकार के मनाई शिकायत ना रहल कि नहीं हम होली नहीं मनावत है या हम शोकग्रस्त है या हम विधवा है। नहीं, बड़े प्रेम के साथ लोग रंग डालत रहन जा और प्रेम के रंग में अपन आप के रंग लेवत रहन जा। तो भाई बहन लोग आज के हमनी के यात्रा कार्यक्रम रहल ई गुरु साहिब के गुरुद्वारा पर जहाँ पर ही लाखों के संख्या में श्रद्धालु लोग माठाते के जारंजा
कबो मौका मिली तई गुरुद्वारा के जरूर उखर यात्रा करिया, काहे कि हौजा से निकलला के बाद मन के एगो सुकून मिलेला। और जितना भी वीर लोग अपन जान दिले वन अपन धर्म खातिर, अपन संस्कृति खातिर और अपन संस्कार के बचाए खातिर, अपन भाषा बोली के बचाए खातिर, उन लोग के याद आवेला और उन लोग से प्रेरणा मिलेला कि तू भी सकब अपन धर्म खातिर, अपन संस्कृति खातिर, अपन परंपरा खातिर कुछ करे। आज के यात्रा कार्यक्रम है जे परी पूरा होत बाते आप लोग के साथ रले कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह मिलब जा यही चैनल पर यही कार्यक्रम के साथ और एगो यात्रा स्थल के साथ मिलब जा। इंतजार करिए, इंतजार के फल मीठा रहेला। हर हर महादेव। नमस्कार। संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान सर्वप्रथम किया जाता है। शिव की सदा ही संकट को मिटाने तथा स्वयं कालचक्र से सामना करने को आतुर रहते हैं। पृथ्वीलोक वासियों की रक्षा तथा सदा ही भक्तों के बीच वास करने के लिए स्वयं अपने आप को 12 कुंजों में विभाजित कर दिया और पृथ्वीलोक में ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हो गए। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जो भी मानव इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करता है उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं, पीड़ा सब मिट जाती है। ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए अगली टोली निकल रही है 8 नवंबर 2024 को और वापसी होगी 1 दिसंबर 2024 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रीनेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, द्वारका और सिद्धि का दर्शन कर अपना जीवन सफल कीजिए। ज्यादा जानकारी और रिजर्वेशन के लिए कॉल कीजिए 5701-9809, 5701-9809 या तो 5949-8703। ऐसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। यात्रा कर महादेव का असीम कृपा प्राप्त करें तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ। ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें।